हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये कलियों वाला डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 32 फंदे में बनाना बताऊंगी। 32 फंदे में बहुत ही बड़े साइज में ये बनकर तैयार हो जाएगा, अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो, क्योंकि बाद में इसमें देखिए इस तरह से फंदे बढ़ भी रहे हैं और साड़ी से बनाने पर बहुत ही बड़े साइज में बन जा रहा है। तो इस डिज़ाइन को सीखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ कैसे बनाएंगे पूरा वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी। तो देखिए, अभी मैं देखिए ये ऊन से बनाई हूँ और इतना बना ली हूँ। बैक साइड में इसका देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे बना रही हूँ। एक ही बार हम इसमें कलर लगाए हैं और ये देखिए इस तरह से बनता चला गया है। नॉर्मली इस डिज़ाइन में बार बार धागा को कट करना पड़ता है, लेकिन देखिए हम इसमें कोई धागा कहीं से हम कट नहीं किए हैं। तो इसे कैसे बनाना है, इसमें कुछ ट्रिक्स है, तो उसे जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपका भी डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट कलर से हम लोग 32 फंदा ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, 32 फंदा ले लिए हैं। अब एक बार यहाँ से बिनते हुए यहाँ तक चले जाएंगे, ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा ही बिनना है इसे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, एक बार आप ट्राई करिएगा, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को मैं पहले भी आपको बताई हूँ, काफ़ी कमेंट्स आ रहा था इसे फिर से बताने के लिए, तो इसलिए मैं आज इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए, इसे उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम अंत में चले जाएंगे। अंत में यहाँ दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, तो वहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए साइड में, यहाँ पे ये दो फंदा बिना बुने छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देते हैं। ये देखिए, इस वाले डिज़ाइन में दोनों साइड से फंदे छूटते हैं। तो देखिए, इस साइड में हम लोग दो फंदा छोड़ दिए, अब इस साइड से भी वापस बिनते हुए जाएंगे और यहाँ सामने की तरफ भी दो फंदा छोड़ेंगे, तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए, यहाँ से भी ये दो फंदा छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देते हैं। ये देखिए, वापस दूसरे लाइन में भी बिनते जाएंगे, फिर से यहाँ दो फंदा छोड़ देंगे। ये देखिए, बिन लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए बिनते हुए, यहाँ फिर से ये दो फंदा छोड़ देते हैं, इस साइड से वापस बिनते हुए जाएंगे और यहाँ से भी दो फंदा छोड़ देंगे। इसी तरह से दोनों साइड से दो दो फंदा छोड़ते जाएंगे, अंत में इसमें चार फंदा बीच में रह जाएगा। इतना दूर तक कर लेते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए, अंत में देखिए चार फंदा इकट्ठा रह गया, इधर में भी दो दो फंदा छोड़ दिए, इधर भी। अब ये जो बीच में से ये दो फंदा और हम बिन लेते हैं, ये देखिए बिन लिए। अब इसमें भी 16 फंदे हो गए और इसमें भी 16 फंदे हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग किसी भी साइड के, या तो इधर के या तो इधर के, किसी भी साइड का फंदा को उठा करके एक कांटे पे कर देना है। तो देखिए, हम इस साइड के फंदे को उठा लेते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, ये जो धागा है इसे इसी साइड में रहने देंगे और इस कांटे पे इसे कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, तरह से फंदे उठा लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पिंक कलर लगाना है, इसलिए। ये देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग इसमें पिंक कलर लगा लेते हैं।
ये देखिए, अब यहाँ से 16 फंदों में हम लोग पिंक कलर लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिन लिए ये यहाँ तक के फंदे। देखिए ये देखिए, 16 फंदों में हम लोग ये पिंक कलर लगा लिए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। अब यहीं से धागा को पलट लेंगे, इस साइड से वापस बिन लेंगे यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, बिन लिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग 4 फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ाना है, तो इस तरह से कांटे पर लपेट करके यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेते हैं। बाकियों को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे और ये पिंक में से 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए, इसे इसे हम यहीं पे इसे बांध देते हैं, बार बार ये खुल जा रहा है। ये देखिए, इधर और इधर के फंदे बीन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए आ गए। यहाँ 2 फंदा छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देते हैं, इस साइड से वापस बीन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में फिर से सेम तरीके से यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कांटे पे लपेटते हुए, अब यहाँ से फिर से बाकियों को बिनते जाएंगे और फिर से यहाँ से 2 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को 4 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए, 2 बढ़ा लिए और 2 बढ़ा लेते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़ाते हुए 4 फंदा बढ़ा लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए, ये जो 4 फंदा बढ़ाए हैं उन्हें घटाएंगे, जैसे एक एक लाइन में बढ़ाते गए ऐसे एक एक लाइन में यहाँ घटाते जाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदा का एक कर देंगे और बाकियों को बिनेंगे। यहाँ देखिए, इधर 8 फंदा तक छोड़े हैं, तो यहाँ यहाँ तक बिनेंगे और 2 फंदा इधर छोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बिन लिए। ये 2 फंदा फिर से छोड़ देते हैं, इसे धागा को पलट देते हैं, इस साइड से वापस बिन लेते हैं ऊपर तक। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे 2 फंदा का एक कर देंगे इस तरह से, फिर से बाकियों को बिनेंगे, फिर से 2 फंदा उधर छोड़ेंगे, 12वां फंदा। ऐसे ही और 2 फंदे घटा लेते हैं, लास्ट वाला फंदा कैसा आएगा वो मैं दिखाऊंगी। तो इतना कर लेते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, घटाते हुए 3 फंदा घटा लिए। अब ये लास्ट वाला 4था फंदा घटाना है, तो अंत में देखिए ये 3 फंदा ही रह गया है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ 2 सामने वाले 2 फंदे का एक कर देंगे, इस तरह से ये 4ों फंदे घट गए। अब यहाँ से सबको एक साथ बिनते हुए इस लाइन में एकदम यहाँ तक चले जाएंगे, जहाँ तक पिंक कलर है वहाँ तक ही जाना है, तो वहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे साइड में यहीं से धागा पलट देते हैं, इस साइड से वापस बिन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में। अब यहाँ पे फिर से सेम ये वाला पिंक वाला पत्ती को और यहाँ बनाना है, फिर से 4 फंदे बढ़ाने हैं, 4 फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से फिर से कांटे पे एक धागा लपेटते हुए इस तरह से बढ़ा लेंगे फंदा, और फिर से बाकियों को बिनते हुए जाएंगे और यहाँ से 2 फंदा छोड़ेंगे, तो यहाँ तक बिन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए इस साइड में, फिर से ये 2 फंदा यहीं पे छोड़ देते हैं। ये देखिए पिंक में से, इसी तरह से यहाँ पे भी फिर से 4 फंदे बढ़ाने होंगे, फिर 4 फंदे घटाने होंगे। जैसा ये वाला कली बना है वैसे ही यहाँ पे एक और कली बना लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए यहाँ तक बीन लिए, इसी टाइप का फिर से यहाँ पे एक और कली बना लिए। यहाँ पे देखिए ये तीन फंदा ही घटाए हैं, ये लास्ट वाला चौथा फंदा घटाना भी रह गया है। तो देखिए इस लाइन में क्या करेंगे, ये सिर्फ दो फंदा का यहाँ पे ये एक कर देंगे बस। अब ये इस लाइन को हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं बिनेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जब हम लोग को ये पिंक कलर लगाना था तो ये वाइट वाले फंदे उठा करके हम लोग यहाँ तक आ गए थे, तब हम लोग को ये वाइट वाला धागा यहाँ ऊपर की तरफ लाना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये जो इधर वाले फंदे हैं पिंक वाले, उसे बिना बुने इस कांटे पर उठा लेंगे। ये देखिए उठा लिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसे इस तरफ हम लोग सीधे के साइड हम लोग पलट जाएंगे। ये देखिए अब ये जो पिंक वाले फंदे हैं उसे हम लोग अब यहाँ सीधा बीनेंगे इस तरह से। ये देखिए सीधा बीनते हुए एकदम ऊपर तक ये वाइट वाला धागा को ले जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम वो वाला डिज़ाइन बनाए हैं, ऐसा ही कर लीजिएगा तो आपका बन जाएगा, बार बार धागा को कट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। ये देखिए ये पिंक वाला धागा को यहीं छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट कली में लगाएंगे इसे इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से ये 32 फंदा हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हम लोग पूरा सिंपल सिंपल इसे बीन लेंगे। ये देखिए सबको एक साथ में बीन लेते हैं। यहाँ हम लोग उल्टा उल्टा बीनते हुए जा रहे हैं, सिर्फ ये 16 फंदे ही हम लोगों को यहाँ पे सीधा बीनना है ये वाइट कलर ऊपर लाने के लिए, और कहीं नहीं, हर जगह हम लोग इस तरह से उल्टा उल्टा ही बीन रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर के 16 फंदे बीन लिए, इधर जो 16 फंदे छूटे हुए उसे बीनना है। तो यहाँ देखिए काफ़ी गैप है, तो बीच में से कोई एक फंदा उठा करके इस तरह से बीन देंगे दोनों को साथ में लेकर के, जिससे कोई फंदा बढ़ेगा भी नहीं और गैप भी भर जाएगा। सबको साथ में बीनते हुए एकदम अंत तक बीन लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए अंत में आ गए, सीधी साइड से भी बीनते हुए यहाँ तक कर लेंगे पूरा, इस लाइन को कंप्लीट बीनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। ये देखिए फिर से ये पहले लाइन जैसे हम लोग को 32 फंदा मिल गया। ये अब फिर से इसकी दूसरी कली शुरू करनी है, तो फिर से यहाँ से सबको उल्टा उल्टा बीनते हुए जाएंगे और यहाँ से दो फंदा छोड़ेंगे तो वहाँ तक बीन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए आ गए, यहाँ से फिर से दो फंदा छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देंगे। इस साइड से भी वापस बीनते हुए जाएंगे और यहाँ से भी दो फंदा छोड़ देंगे, यहाँ तक बीन लेते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से दो दो फंदा फिर से छोड़ते जाएंगे जैसे इसमें किए। ये तो समझ में आ ही गया, दोनों साइड से दो दो फंदा छोड़ते जाना है अंत में, जब तक चार फंदा ना रह जाए। तो इतना कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे कि दूसरी कली में हम लोग को धागा कैसे मिलेगा। तो ये सेम प्रोसेस है, तो इसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए दूसरी कली भी यहाँ तक बीन लिए, अंत में यहाँ पे चार फंदा रह गया। अब इसमें से दो फंदा बीन लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे इधर में ये 16 फंदे हो गए, अब यहाँ से इजी हो गया। अब हम लोगों को पिंक कलर से बीनना है, तो इस वाले फंदे को इस कांटे पे उठा लेंगे बिना बुने इस तरह से, जैसा पहला कली में किए थे बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ से ये 16 फंदे फिर पिंक कलर से बीन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये 16 फंदे बिन लिए पिंक कलर से, ये देखिए इस तरह से। ये वाला जो पैटर्न है इसे फिर से यहाँ पे बना लेंगे ऐसे ही। फिर जब ये हम लोगों को वाइट कलर ऊपर ले जाना होगा तो पिंक वाले फंदे जैसे उठा लिए थे वैसे ही कर लेंगे, बिना बुने ऐसे ही कर लेंगे और ऐसे ही इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अभी मैं 5 कली बनाई हूँ, जैसे ही मैं इसे कंप्लीट करूँगी थंबनेल में अपडेट कर दूँगी।